当当当当，叮叮当当当当当当，叮叮当当。अरे भैया क्या हुआ, एक्टर से टूटा हुआ ट्रैक्टर किसने बना दिया? अरे छोटे, अपनी जान पे खेल के हिंदी मीडियम की रिपोर्टिंग करने गया था तभी डेरा के लोगों ने आपका सच्चा सौदा कर दिया। छोटे वो क्या करूं, मेरी फाइल फॉलोइंग इतनी है, सब ऑटोग्राफ लेने आए और आपके चेहरे पर ऑटोग्राफ दे के चले गए। छोटे मैंने इसे खट्टू को पहले ही कहा था भाई सुरक्षा दे दे, पहले जाटों ने पीटा अभी बाबा के गुंडों ने छेता, हाय 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 कमर लाल कर दी लाल की। ये खट्टू था बिल्कुल निखट्टू निकला, छोटा मैं नहीं जाऊंगा हरियाणा। सही कहा भैया, पंचकुला में आपको इतने पंच मारे कि पंचर बनवाने में काफी खर्चा आ जाएगा। सही कहा छोटे, ये बाबा ना तो राम है ना रहीम है ना नास पीटे में रहम है, हमारा हिप्पा तक नहीं छोड़ा यार। भैया आराम से, आप पिटे हुए हो। हाँ हाय, हिप्पा तक नहीं छोड़ा। मुझे तो बेरहम बाबा और खट्टू की साजिश लगती है। क्या छोटे? भैया आराम से, आप पिटे हुए हो। हाँ हाँ, क्या छोटे? आप जैसे स्टार को टूटा हुआ गिटार बनाने की, वैसे आगे क्या प्रोग्राम है? बस छोटे पहले वो जुड़वाऊंगा, फिर कुछ प्लान करूंगा। भैया ऐसा क्यों लगता है कि आप जबरदस्ती के पिटे हुए हो, उन रिपोर्टर्स की तरह जो शुक्रवार रात निरुपा रॉय की तरह जबरदस्ती दुख भरी लंबी कहानी सुना रहे थे? नहीं छोटे, मैं सच में पिटाऊ मेरे करने, अगर मैं झूठ बोलूं तो तू मर जाए हराम कोराए। नहीं भैया, मैंने आपको देखा था, आप बेरहम बाबा के भक्त बने फ्री का खाना लूट रहे थे। अरे छोटे भाभी पेट का सवाल था और क्या करता था, भूखा मरता है? भैया आराम से, आप पिटे हुए हो। छोटे इस पापी पेट का सवाल था इसलिए एक फुलका खा लिया। तो पक्का पिटे हुए हो? 15-20 फ्रैक्चर तो पैर में है छोटे। उठ भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते। दीपू मेरी है। ना छोटा, दीपू मेरी है, आराम को। साले छोटे नकली सांप से कटवाते है, वहाँ बाबा अपने लोटे से पिटवाता है, आज सांप तेरे ही काटे का साले। प्रणम में शीर्षा देवम गौरी पुत्रम तू विनायकम भक्त वासम स्मृत नित्यमायु कामार सिद्धे। हिंदी मीडियम देख रहे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और जय जय, और जय जय इस बार हमारी अदालतों की, जिन्होंने बेरहम बाबा पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। वाल आप तो मेरा स्टाइल जानते ही है, मैं अपनी जान पर खेल कर आपके लिए खबरें लाता हूँ और इस बार लाया हूँ मैं बाबा का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो सिर्फ हिंदी मीडियम के पास है, क्योंकि मैं नहीं बाबा को धर दबोचा और की उनसे बात, देखिए। अरे बाबा आप तो बहुत खुश दिख रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे बाबा आप पर फैसला आने वाला है, तब भी इतने खुश? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वाह बाबा वाह, इसे कह रहे हैं डर के आगे जीत है। बाबा आप तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अच्छा ये बताइए, आप पर जो आरोप है कितने परसेंट सच है? 99% कुछ। इसका मतलब रेप से लेके मर्डर तक सब सच है? जी जी। अच्छा बाबा ये बताइए, कुछ पर्सनल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बाबा वो 40-50 शादी के साथ मोहब्बत सही है बात? फकीर सबका होता है। वाह बाबा वाह, फकीर हो तो ऐसा चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। अच्छा बाबा ये बताओ, ये शौक कब से फरमा रहे हो? बचपन से ही। क्या मतलब बाबा बचपन से रसिया हो? अच्छा बाबा एक छोटा सा लिटिल सा पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? जी। वाह बाबा मजा आ गया। अच्छा ये बताओ, ये मोहब्बत कब फरमाते हो मोहतरमाओं के साथ? सर से राह चलता रहता। वैसे अब देखना, जो मैं बाबा से पूछूंगा बाबा डबल खुश हो जाएगा। ओए रॉक स्टार बाबा, देखा खुश हो गया ना बाबा। अच्छा बाबा वो मंत्र बताओ जो आप सब पे मारते हो। चाहे कुछ भी करे जतन, वापिस तुम्हें ले जाएंगे। वेल ये थे हमारे राइटर एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बाबा, जिन्होंने हिंदी मीडियम में माना कि वो बचपन से ही रसिया है। बाबा के बाद बात करें खट्टू की,
जब पता ही नहीं खट्टू निकला। अरे हमारे न्यूज चैनल के एंकर चिल्ला चिल्ला के अपना बीपी बढ़ा बढ़ा के मर गए, लेकिन ये आदमी सोता रहा। अरे चचा चचा अब तो ले लो रिटायरमेंट, बड़ा सुनो कोर्ट की डांट। दोस्तों हमारा खट्टू एक बार फिर फेल हो गया है। पहले जाट आंदोलन और अब डेरा का पंचकुला के साथ सच्चा सौदा हमारे खट्टू पर भारी पड़ गया है। फेल होने में खट्टू ने पप्पू अरे अपना राहुल को भी पीछे छोड़ दिया है। हिंदी मीडियम के गुप्त सूत्रों की माने तो खट्टू बीजेपी के पप्पू बन गए हैं और उम्र को देखते हुए उन्हें मार्गदर्शन मंडल में भेजने की तैयारी है, जिससे अडवाणी जी बहुत खुश हैं। उधर जेडीयू ने कहा है कि शरद यादव के साथ खट्टू को भी चार धाम की यात्रा के टिकट फ्री देंगे। ऑफर जानदार है, निकल ले ताऊ। वेल हरियाणा से सीधे चलते हैं यूपी, जहां हमारे मुलायम सिंह जी वापस मार्गदर्शन मंडल से आने को तैयार हैं, क्योंकि इस बार वो सीधी टक्कर देंगे अपने बेटे को। अब भैया संभल के रहना, पापा पहलवान है, टक्कर होकर मत ले लियो, क्योंकि मुलायम सिंह जी का कहना है लौंडों ने पार्टी की लुटिया तो डुबाई दी, अब नाक ना कटा दें। आइए मुलायम सिंह से बात करते हैं। मुलायम सिंह जी आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत और होली की शुभकामनाएं। अरे चाचा ना दशहरा ना दिवाली, सीधी होली, गब्बर बन गई हो गया कभी होली। चाचा एक काम करो, आप ना मार्गदर्शन मंडल में ही ठीक हो, उम्र हो चली है मान लो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब आप अभी जवान हो, कुश्ती लड़ने की उम्र है अभी चाचा। ये सही है, ये सही है। वाह नेताजी वाह, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, वो भी 16 साल के लौंडे जैसा। अच्छा नेताजी ये बताइए, आपको राजनीति में वापस आने पर किसको हराना है? अखिलेश। अखिलेश, अच्छा अच्छा नेताजी ये बताइए, ये अखिलेश आपकी निगाह में क्या है? षड्यंत्रकारी अज्ञानी। पर नेताजी अखिलेश का कहना है आपकी उम्र हो चली है। ऐसा नहीं है। अच्छा तो आप नेताजी अध्यक्ष की कुर्सी हारना चाहते हो फिर? इतना झूठ प्रचार। तो नेताजी फिर सच क्या है? हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक पार्टी में फैसला होता है वो पूरा पालन किया जाता है। तो नेताजी आपका ये कहना है ये सब पार्टी के सदस्यों का फैसला है? ये सही है, ये सही है। ओके मतलब पार्टी को बचाने के लिए आपको फैसला तो हमें लेना पड़ा है। अरे नेताजी मैंने तो पहला ही समझाया था अखिलेश के संकट ठीक नहीं है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है, अब पड़े रहो वहाँ मार्गदर्शन में। खैर अब बात करेंगे हम अखिलेश भैया के बड़के भैया राहुल बाबा की, जो फिर पिकनिक पे निकल रही है। दोस्तों हमारे पास बाबा की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाति है, लाइक रॉकस्टार बाबा, स्पॉन्सरशिप बाबा और घुमक्कड़ बाबा। और ये घुमक्कड़ बाबा हैं राहुल बाबा, जो इस बार जा रहे हैं नॉर्वे, वो भी पिकनिक पर। और हमारे हिंदी मीडियम के गुप्त सूत्रों की माने तो बाबा जो बार बार विदेश जाते हैं, पीछे छिपा कारण है, वो असल में एक ऐसा देश ढूंढ रहे हैं जहां वो किसी तरह चुनाव जीत कर पीएम बन जाएं, क्योंकि भारत में मोदी जी आसानी से गद्दी छोड़ने वाले नहीं है, तो क्यों ना किसी और देश को कब्जा लें, इसी बहाने पार्टी भी MNC हो जाएगी। और उनको ये दिमाग दिग्गी राजा ने दिया है, शाबाश दिग्गी राजा, तुम्हारे जैसा दोस्त किसी दुश्मन को ना मिले। दोस्तों फौरन पहुंच गए हैं, तो फौरन स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और पब्लिक से पूछते हैं कि उत्तर कोरिया, चाइना, दक्षिण कोरिया, भारत कौन है, किसका हिस्सा, क्या है ये किस्सा। आइए पब्लिक से पूछते हैं कि इन्हें कितना ज्ञान है, आओ ना देख लो इनकी हालत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा शो हिंदी मीडियम। दोस्तों आज हम आ गए हैं फिर से सड़कों पे लोगों का सामान्य ज्ञान चेक करने की, उत्तर कोरिया, भारत, दक्षिण कोरिया, चाइना, आखिर ये है क्या भाई। आइए जरा लोगों से पूछते हैं कि क्या किस्सा है और कौन सा किसका हिस्सा है। हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मोदी जी ने कहा है कि जैसे उत्तर कोरिया उत्तर भारत का हिस्सा है, उसे हम चाइना से लेके रहेंगे, तो गलत है? ठीक है, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। कैसे लेंगे फिर? तो जैसे ये चाइना लोग जैसे मानेंगे वैसे ही राजी रहेंगे। और पता है कहाँ है उत्तर कोरिया? सर देखा हुआ था नहीं है, लेकिन है तो भारत का हिस्सा। भारत का हिस्सा है, लेके रहेंगे। कौन सी क्लास तक पढ़े हो? सर इंटर। इंटर तक? इंटर पढ़ने के बाद ही पता चला उत्तर कोरिया कहाँ है, कहाँ है भारत में? सर भारत के ही, मतलब कि है तो भारत का ही एक तरीके से। ये हेलमेट और बैग टांगे लग रहा, उड़ जाओगे तुम ऊपर अंतरिक्ष यान में जा रहे हो। उत्तर कोरिया अलग है, भारत अलग है, कुछ पता है नहीं है? बिल्कुल ही ठापे है तो लौंडा। मोदी जी ने कहा है जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा है,
ऐसे ही उत्तर कोरिया उत्तर भारत का हिस्सा है और उसे हम चाइना से लेके रहेंगे। तो ठीक है गलत है? ठीक है। कैसे लेंगे फिर? चाइना ने कब्जा किया हुआ ना उत्तर कोरिया पे। हाँ, तो वो हम जो है फिर उसे लेंगे। हमारा हिस्सा है तो हम तो कैसे छोड़ सकते हैं भाई? अपना हिस्सा कोई क्यों छोड़ेगा? हाँ, कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। दक्षिण कोरिया? हाँ, वो भी वही है। वो भी लेंगे। वही भी सही बात है। सब लेके छोड़ेंगे हम अपना। सही बात है। अच्छा, जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा है ऐसे ही उत्तर कोरिया उत्तर भारत का हिस्सा है। मोदी जी ने कहा वो भी हम चाइना से वापस लेंगे। भाई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें किसके बारे में पता है? किसी और से पूछ लीजिए हमको नहीं पता। सफेद गाय सफेद दूध देती है, काली गाय क्या देती है? सफेद दूध देती है, ये पता है। थोड़ा दूध ले लो, आधी लीटर पियो जाएगा। अरे भाई ये बताओ, हम ये पूछ रहे हैं, मोदी जी ने कहा है जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा है ऐसे ही उत्तर कोरिया उत्तर भारत का हिस्सा है, वो चाइना से लेकर आएंगे हम? हाँ लेकर आएंगे। हाँ हाँ लेकर आएंगे, क्यों नहीं, क्यों नहीं लेकर आएंगे? लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए। और दक्षिण कोरिया? वो दक्षिण भारत का हिस्सा है। हाँ, वो भी लेकर आएंगे। तुम क्या ले रहे हो यहाँ खड़े? कुछ तो लेकर रहो, तुम भी बहुत चवन प्याज खाओ तब अकल आएगी। वो उत्पटांग बोलने जा रहे हैं जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा है ऐसे ही मोदी जी ने कहा कि उत्तर कोरिया उत्तर भारत का हिस्सा है, चाइना से लेके रहेंगे चीज। अच्छा, तो आप क्या कहोगे? अभी हमारे यहाँ ये बात चली है, हमें ये नहीं पता कि चाइना की साइड में क्या है। और दक्षिण कोरिया? दक्षिण कोरिया तो भाई किम जोंग उन, वो तो डिक्टेटर है ही। मुझे लग रहा है अभी थोड़े से हिल रहा है मामला। हाँ लग रहा है, देख लो सही बताओ अभी भी। बस यही है व्यूज। यही व्यूज है, कितने समझदार हैं लोग। जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा है उसे पाकिस्तान से लेके रहेंगे छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही उत्तर कोरिया उत्तर भारत का हिस्सा है जो हम चाइना से भी लेके रहेंगे छोड़ेंगे नहीं। तो ये बताओ गलत है? ठीक है भाई, एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं मोदी। अच्छा जी, तो ले लें उत्तर कोरिया अपना? बिल्कुल, उत्तर भारत का जो हिस्सा है सब ले लें। हाँ, उत्तर कोरिया को और दक्षिण कोरिया को लेने में आप जाओगे जंग पे? बिल्कुल। हाँ देख लो पास नहीं होने के फिजिकल में। फिजिकल में नहीं, वैसे तो होंगे। वैसे होंगे हाँ, बात ठीक है फिर। ठीक है, अभी कश्मीर भारत का हिस्सा है ऐसे मोदी जी ने कहा कि उत्तर कोरिया जो है उत्तर भारत का हिस्सा है जो चाइना से लेके रहेंगे। वो मुझे पता नहीं, बट कश्मीर इंडिया का हिस्सा है ये पता है। अरे चाइना के नहीं, उत्तर कोरिया चाइना के कब्जे में कुछ भाग जो भारत के अंडर में आता है। मोदी ने कहा मैं ये भी लूंगा। गलत मोदी जी गलत बोल गए, बहुत बढ़िया। साउथ कोरिया कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता जब उत्तर भारत हो सकता है? उत्तर कोरिया नहीं हो सकता? नहीं, वही तो कह रहा हूँ। अपना पार्ट तो कोई भी नहीं छोड़ता। आप छोड़ दोगे? नहीं नहीं फिर अपना हक तो छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, मोदी जी ने कहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है हम तो लेके रहेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही उत्तर कोरिया उत्तर भारत का हिस्सा है जो चाइना से लेके रहेंगे। हिस्सा है अपना लेके रहें, बिल्कुल लेना। कह रहे हम दक्षिण कोरिया का भी नहीं छोड़ेंगे जो दक्षिण भारत में हमारा हिस्सा है वो भी लेके रहेंगे। दक्षिण कोरिया के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है। उत्तर कोरिया तो लेना चाहिए फिर। तम्बाकू रगड़ रहे हो क्या सर? कोशिश कर रहे हैं। तम्बाकू रगड़ो बाबूजी, तुम्हें कुछ नहीं पता, बस तुम तम्बाकू रगड़ो। मोदी जी ने कहा है जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा है ऐसे ही उत्तर कोरिया उत्तर भारत का हिस्सा है जो हम लेके रहेंगे चाइना से छोड़ने के नहीं इस बार। या भले जंग हो जा, कुछ भी हो जा, लेके रहेंगे सर। लेके रहेंगे ना, भले जंग हो जा, मरवा दे दो चार आदमियों को, लड़वा दे, बाली बना ले। अच्छा ये बताओ, अभी मोदी जी ने कहा है कि जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा है उसे लेके रहेंगे छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही उत्तर कोरिया उत्तर भारत का हिस्सा है जो चाइना से लेके रहेंगे छोड़ेंगे नहीं। ठीक, जंग हो जाएगी, मरवा दो तुम दो चार लोगों को। हम भी तैयार है, हम भी तैयार है, गैल चलने को तैयार है। और दक्षिण कोरिया कैसे लोग है फिर? वो भी भारत का हिस्सा है, दक्षिण भारत का हिस्सा है वो हमारे। पहले जो कब्जे मारा वहाँ कब्जे में, वहाँ पे कब्जे में कर ले। नोएडा से ही हो? तभी कब्जों की बात कर रहे थे। ये नोएडा वाले कब्जे ही बहुत करते हैं, छोड़ते ही नहीं, कहते ही यार हद ही कर दी। अरे भाई हम ये पूछ रहे हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ द मेडिटेशन ऑफ द एक्ट। क्या नहीं समझे? आई एम सेइंग द कंडीशन ऑफ द मेडिटेशन ऑफ द एक्ट। नहीं समझे क्या? दिमाग दिमाग अंडे की तरह
खराब हो गया क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ, दिस कंडीशन ऑफ द मैरिफिकेशन ऑफ द एग। हिंदी में बोलो सर। हम हिंदी मीडियम वाले तो खुद है, कैसे बोले। तो दोस्तों देखा आपने, इन्हें ना पता उत्तर कोरिया, ना पता इन्हें दक्षिण कोरिया, इन्हें यही नहीं पता भारत में क्या हो रहा है। लेकिन आपको पता है, शो चल रहा है हिंदी मीडियम। मैं लेता हूँ अभी एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, शेविंग करा लेता हूँ। Dang, dang, ding, ding, dang, 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 dang.